पहले तो आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि जो टीटीडी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनको आंध्र प्रदेश की सरकार ने बनाया है और टीटीडी के बोर्ड के 24 मेंबर बनाए गए जिसमें जनाब बीआर नायडू साहब जो चेयरमैन है उसमें जो 24 मेंबर्स है बोर्ड के उसमें एक भी नॉन हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ईटीडी का जो बोर्ड का जो सेक्शन है सेक्शन 96 उसमें ये लिखा गया है द पर्संस 96 सबसेक्शन 2 द पर्संस अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ द सबसेक्शन 1 शैल बी पर्संस प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। तो जितने 24 मेंबर बनाए गए हैं टीटीडी के वो पूरे के पूरे हिंदूज है, नॉन हिंदू नहीं है, नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 96 को देखेंगे और पार्ट 14 ऑफ आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एक्ट 1987 तो वो प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस को और वो सेक्शंस आप बोलेंगे कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। फिर आप आ जाइए सेक्शन 106 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तिरुमला देवस्थानम के सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि पूरे के पूरे हिंदू रिलीजन प्रोफेस करना। फिर सेक्शन 97 देख लीजिए हम और फिर जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा ये तो ट्रस्ट है जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। हमारा कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए और आपके देखने वालों को आपको समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है। जो हिंदू है सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है मगर यहां पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए उसमें। अच्छा आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे हमको कोई आपत्ति नहीं है बहुत अच्छा है क्योंकि आपका धर्म है आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों मनाना चाह रहे हैं एक नॉन मुस्लिम को बोर्ड मेंबर? और सुनिए इसका बुनियादी हम लोग हमारे को आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है हम क्यों बोल रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं तो चेयरमैन साहब को इख्तियार है हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल है वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 से मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई जब आप यहां पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई जब ईटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप 96-2 ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई ईटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है।
अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वॉयलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 गारंटीज फ्रीडम टू मैरिज रिलीज ऑफ फेथ ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ सेक्शन देयर ऑफ। उसमें ए सेक्शन 26 ए का देख लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, बी मैनेज टू डू अफेयर्स मैटर ऑफ रिलीजन, सी टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, डी टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में, और आप यहां पर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है हम उसके मुखालिफ नहीं है, बल्कि उसके ट्रस्टीज तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है, उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है नहीं है उसमें। इसीलिए हम ये ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीजें हैं वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीजें हैं वहां पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूं, इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा सीईओ जो होगा मुसलमान नहीं होगा वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाओं को, जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ प्रॉप जो बिल लाया नरेंद्र मोदी लाया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं होऊंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहां पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है बहुत अच्छा है वो, मगर आप वहां पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है फिर वो, ये हमारा आपत्ति है। టీటీడీ వక్ఫ్ బోర్డు పైన కంపేర్ చేసి అయినా మాట్లాడిండు. యాసుద్దీన్ ఓవైసీ అలవాటు ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డైలీ ఏదో ఒక న్యూస్ ఛానల్లో నేను ఉండాలి, వేడి వేడి సబ్జెక్ట్ పైన పట్టుకుని అయినా దానిపైన ఆయన కామెంట్ చేస్తుండ్రు. అసలు ఏంటంటే బుద్ధి తక్కువ ఓవైసీ అంటారు దానికి. ఇవాళ నేను బ్యారిస్టర్ చదువుకున్నా, నేను అమెరికా లండన్ పోయి నేను చదువుకున్నా అని చాలా పెద్ద బిల్డప్ ఇస్తారు, కానీ వాస్తవం ఏంటంటే బుద్ధి తక్కువ ఓవైసీ అంటారు. ఇవాళ వక్ఫ్ బోర్డు గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, మా టీటీడీ గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. ఒక మంచి డిసిషన్ మా చైర్మన్ గారు తీసుకున్నారు, మా హిందూ టెంపుల్లో వేరే మతమోలు పని చేయకూడదు, ఇది హిందూ టెంపుల్, హిందువులే పనిచేయాలని చాలా ఒక మంచి డిసిషన్. నేను చైర్మన్ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదం చెప్తున్నా. అదేవిధంగా నువ్వు వక్ఫ్ బోర్డు గురించి మాట్లాడుతున్నావు, అసలు 1947 లో వక్ఫ్ బోర్డ్ పేరు పైన ఎంత ల్యాండ్ ఉండే, కానీ ఇవాళ 10 లక్షలు ఎకరాల ల్యాండ్ అది ఎట్లా అయింది? మీరు మీ వక్ఫ్ బోర్డోలు కలిసి మెలిసి మా హిందూ రైతుల దగ్గర వక్ఫ్ బోర్డ్ పేరు పైన మీరు ల్యాండ్ కబ్జా చేసినారు, మా హిందూ టెంపుల్స్ ల్యాండ్ వక్ఫ్ బోర్డ్ పేరు పైన మీరు మొత్తం కబ్జా చేసుకున్నారు. అందుకోసం వక్ఫ్ బోర్డ్ పైన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక మంచి ఒక చట్టం వస్తుంది, మంచిగా ఒక చట్టం వస్తుంది. నువ్వు ఇంత డప్పు కొడుతున్నావు కదా, ఎంత డప్పు కొట్టాలనుకుంటున్నావు కొట్టుకో, కానీ 100% దానిపైన చట్టం కూడా వస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా ఆ ల్యాండ్ని యూజ్ చేయాలి ఆ విధంగా 100% ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ఈ వక్ఫ్ బోర్డ్ ల్యాండ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు.